हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफालीज किचन। शिफालीज किचन में मैं भावना गोयल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में एक ऐसी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, जिसे बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं और बच्चे तो ना के बराबर ही पसंद करते हैं। बट अगर आप इसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, अगर आप ऐसे ही सेम बनाते हैं तो बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे डेली डिमांड करेंगे कि आप बार बार ये सब्जी बनाएं। और फ्रेंड्स, ये सब्जी का नाम है टिंडे की सब्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ग्रीन वेजिटेबल है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। ज़्यादातर मोस्टली घरों में यही देखा जाता है कि बच्चे ऐसी सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं खाना पसंद नहीं करते हैं, बट अगर आप ऐसे बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो वो ज़रूर पसंद करेंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल स्टाइल सब्जी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टिंडे लिए हैं। टिंडे मैंने यहाँ पर हाफ के जी के करीब लिए हैं। मैं ये जो टिंडे की सब्जी बना रही हूँ वो ग्रेवी वाली बना रही हूँ, जिसे कहते हैं मसाला टिंडे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने छोटे वाले जो साइज़ के होते हैं टिंडे, मैंने वो चूज़ किए। और आपको भी ये कहूँगी आप छोटे टिंडे ही यूज़ करें। और जो बड़े टिंडे थे एक दो, मैंने उसको ऐसे फोर पीसेस में काट लिया है। तो फ्रेंड्स, हाफ के जी के करीब हैं ये टिंडे, और इनको धोकर हम इनको छिलका उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसके अंदर हमने सरसों का तेल लिया है और मैंने गैस का फ्लेम जो है फुल पर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सरसों का तेल, हमने मेन तो जो टिंडे हैं उनको फ्राई करना है, पर उनको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो इसके लिए तेल हमने बहुत ही कम मात्रा में लिया है, और आप यहाँ पर किसी भी तरह का तेल ले सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर आप देसी घी या दूसरा घी यूज़ करते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब्जी हर एक घी में अच्छी लगती है, बट रिफाइंड तेल से ज़्यादा बेटर है कि आप सरसों का तेल यूज़ करें। मैं मोस्टली अपने जो भी सब्जियां घर पे बनाती हूँ उनमें सरसों का तेल का ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी सब्जियां ये तैयार होती हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये जो टिंडे हैं वो एकदम से सिक गए हैं एक साइड से, और अब हम दूसरी साइड से इनको पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे ये फ्राई हो चुके हैं। अगर हम डीप फ्राई इनको करते हैं तो ऐसा होता है कि टिंडों के अंदर जो ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इस वजह से हमें इसे शैलो फ्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो इसके अंदर तेल ही तेल रह जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं। और ये मैंने स्लो आँच, पहले हमने तेल पकाया था फुल आँच पर, उसके बाद स्लो आँच पर इसको पकाया था टिंडों को। इसके बाद मैंने बाकी का तेल निकाल लिया और उसी कढ़ाई के अंदर हमने 1 टेबल स्पून जो है जो ऑयल वो रहने दिया, और उसके अंदर मैं यहाँ पर 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ले रही हूँ, और हरी इलायची मैंने यहाँ पर 2 ली हैं, और इसके साथ ही मैंने 3-4 लौंग यहाँ पर इसके अंदर डाले हैं। हमने ये खड़े मसाले लिए हैं, इनको हम अभी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्च, जो इलायची होती है छोटे वाली इलायची जिसे कहा जाता है, उसका टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है, मसाला सब्जी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर हींग का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पीसी हुई हींग ली है, और मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ। ये सभी हमने खड़े मसाले लिए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे मसाले अभी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी जिनसे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ये मत सोचिए कि ये जस्ट दूसरी वीडियोस की तरह ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम आकार के जो होते हैं प्याज लिए हैं और उनको रफली काट लिया है। वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके थे और अब हम प्याज इसमें फ्राई कर लेंगे। हमने बेसिकली इसे मिक्सी के जार के अंदर बीट करना है।
तो इसलिए हम रफली ये डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च डाली हैं, वो भी हमने मोटी मोटी काट कर ही डाल दी हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी हमने रफली काटा है मोटा मोटा। इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला होने वाला है, ये 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इस मसाले को होने में। ये तैयार हो चुका है, अब इसे आप मिक्सी के जार के अंदर बीट कर लीजिए। बट इस मसाले को पहले ठंडा होने दीजिएगा, गरम गरम मत कीजिएगा ये काम। फ्रेंड्स, अब हमने वो सारा मसाला जो है बीट कर लिया है, अब हम उसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून और ऑयल लेते हैं, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर जीरा लिया है। जब हमारा जीरा तड़क जाता है तब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं। और अब हम ये मसाला, जब जैसे ही वो अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छी तरह से भून जाती है, उसके बाद हम ये मसाला इसके अंदर डाल देंगे बीट किया हुआ। फ्रेंड्स, इस मसाले का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। वीडियो में आपको पता ना चल रहा हो, बट जब आप इसे खुद तैयार करेंगे घर पर तो आपको पता चलेगा इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है इस ग्रेवी का। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है, 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ पर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया मैंने पीसा हुआ लिया है। फ्रेंड्स, ये मसाले अभी हमारे हो रहे हैं, और मैंने इसमें 1/2 कटोरी के करीब पानी डाला था इस ग्रेवी के अंदर। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सूखी मेथी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसका फ्लेवर जो है सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, और बिल्कुल आपको ये ग्रेवी, आप कई सब्जियों में इसका यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की अगर आप ग्रेवी बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है, कई सब्जियों में यूज़ हो जाता है इस ग्रेवी का। और मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी में, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ही, जिसे कहते हैं, चटपटी होती है। तो अमचूर पाउडर यहाँ पर आप ज़रूर डालें। और जो मैंने टमाटर भी लिए थे वो भी मैंने खट्टे वाले टमाटर का इसमें यूज़ किया था। फ्रेंड्स, अब हम ये सारे जो हमने टिंडे फ्राई किए हुए थे उन सबको हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी बीच में ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मैं यहाँ पर, मुझे ग्रेवी कम ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी और पानी का यूज़ करूँगी यहाँ पर। और इसको 3 से 4 उबाले आने देंगे हम, कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक हम इसे सेम आंच पर पकाएंगे, तो आपकी ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका कलर आया, बिल्कुल होटल स्टाइल आपकी ये सब्ज़ी बनती है, और बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। आप एक बार जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और वीडियो अगर आज की आपको पसंद आती है तो उसे आगे शेयर करना भी मत भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।